हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की फुली फुली पूरियाँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर अचार के साथ खा सकते हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाला बेल आइकन भी क्लिक कर दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उसे सबसे पहले देख पाएं। और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, इसे मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया है और अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसे मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें बिल्कुल भी गुठली नहीं चाहिए आलू की, इसलिए या तो हम इसे ग्रेट करेंगे या तो आप इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें। और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, यह है 1 बड़ा चम्मच। इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर। सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप गेहूं का आटा। और अब हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट मीडियम डो गूंदेंगे, जैसा कि हम पूड़ी के लिए गूंदते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो ये देखिए डो रेडी हो गया है, इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और 10 मिनट के बाद हम हाथों पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इस साइज़ के, ना ही तो ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। और इसके बाद हम इसमें फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ हम बेल लेंगे। तो ये देखिए पूड़ी रेडी है फ्राई करने के लिए। तो गैस पर मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, तो यहाँ पर ये मीडियम हॉट ऑयल है, तो इसमें हम डाल देंगे पूड़ी को। केयरफुली आप इसमें डालें, गैस का जो फ्लेम है उसे आप मीडियम पे रखें और इसे हल्के हल्के इस तरह से प्रेस करते रहें, इससे पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूल जाती हैं। तो ये देखिए पूड़ी फूल गई है, तो अब हम इसे पलट देंगे। कुछ सेकंड बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की भी पूरियां रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी फटाफट से बनके रेडी हो गई है हमारी आलू की फुली फुली पूरियां। आप इसे चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।